यहां से अपने शो के सेकंड आर की शुरुआत हो चली है और शाम के 6 बज चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग। आप ही के दिल के धोन आपके साथ सरकार मेरे और ये मंडे की मस्त वाली इवनिंग है, वीकडेज का पहला दिन। और गुरु, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज के शो पर मेरी बातें होने वाली हैं धनंजय कुमार के साथ, जो कि BIT के स्टूडेंट रह चुके हैं, डोरंडा के रहने वाले हैं। उस ऐप को लेकर के इनसे बातें होने वाली हैं जिसको इन्होंने डेवलप किया है इस लॉकडाउन टाइम में। और इस ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है Doc OPD, आप किसी भी तरीके का मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो धनंजय जी इस वक्त मेरे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी और रेडियो धूम, जो आपने मुझे आने का मौका दिया आप ऑन एयर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बारे में। जी बिल्कुल, मैं रांची का ही निवासी हूँ और बचपन से कुछ न कुछ अलग करने की चाहत रहती थी और इसी चाहत में मैंने 7 साल बैंक में नौकरी की है। समाज सेवा से जुड़ा हुआ था और पैशन कुछ अलग हटके करने का था, इस वजह से मैंने जॉब छोड़ा और मैंने कलाकृति आर्ट फाउंडेशन और कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। एक अच्छा चीज ये बताओ कि मैं एक पैशनेट आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग करना मेरा हॉबी रहा है, लेकिन साथ ही साथ तकनीकी में छात्र रहा हूँ और इस वजह से एक सफर चला तो मैं BIT मिश्रा से मैंने अपनी MCA की पढ़ाई पूरी की जी। उसके बाद 2008 से मैं ICICI बैंक में कार्यरत रहा 2014 तक और उसके बाद मैंने अपने स्कूल को फिर से रिस्टार्ट किया जो कि लगभग 19 साल पुराना है और मैंने क्लास 12 पास करने के बाद ही इस स्कूल की स्थापना की थी और फिर से उसको रिस्टार्ट किया एक नए कलेवर में और साथ ही साथ अपना डेवलपमेंट और IT से रिलेटेड काम भी काफी चलता रहा। क्या बात है। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आप आर्टिस्ट बहुत ही कमाल के हैं और कलाकृति आर्ट फाउंडेशन की भी स्थापना आपने की है और उसके बाद ये Doc OPD। सो मल्टी टैलेंटेड इंसान है आप धनंजय जी। कुछ और बातें आपसे करेंगे लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम धूम कैफे, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। ये है धूम कैफे और 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी प्रसून को। वेरी गुड इवनिंग। और आज के इस शो पर मेरी बातें हो रही हैं मल्टी टैलेंटेड धनंजय कुमार के साथ। धनंजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि इसको बनाने का आइडिया कैसे आया। कृष्ण जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि टेलीमेडिसिन जो है वो काफी समय से है पूरे विश्व में। टेलीमेडिसिन एक सुविधा होती है जिसके तहत तकनीक के माध्यम से लोगों तक चिकित्सक के सुविधा पहुंचाने की बात होती है जी। और Doc OPD जो है काफी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे इस पे और हम लोगों ने जो तकनीक बनाई थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जिस महामारी के दौरान हमें जो जो सिचुएशन फेस करने के लिए देखा जा रहा है जी, इस परिप्रेक्ष्य में ये सॉफ्टवेयर बहुत सटीक बैठता है और इसका लोग लाभ उठा सकते हैं। Doc OPD के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक एंड्रॉयड फोन बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई भी मरीज वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं MBBS डॉक्टर से और ये सभी डॉक्टर्स हम लोग रिक्रूट करते हैं अपने सिस्टम में या इम्पैनल करते हैं अपने सिस्टम में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस टेलीमेडिसिन की जो उन लोगों ने रिलीज की थी उसी के आधार पे इसमें हम ऑनबोर्ड करते हैं जी। सारी सुविधा उसी नियम अनुरूप चलती है। और अगर हम इसके आइडिया की बात करें या फिर इंस्पिरेशन की बात करें तो फिर आपको ये कहाँ से मिला? देखिए, ये हमारे कुछ मित्र हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, अभिषेक कुमार BIT मिश्रा के ही पूर्व छात्र हैं जी और विजेंद्र विष्ट है, दिल्ली में रहते हैं। ओके। तो हमारा शुरू से एक ध्येय था कि अपने झारखंड प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ करें और इस तरह से झारखंड के लोगों को हम अपने काम को जारी रखते हुए कुछ ऐसा दे जिससे हमारी अपने पढ़ाई भी इसमें सार्थक हो और हमारा समाज सेवा का जो ध्येय है वो भी सार्थक हो जी। और इसी में अभिषेक जो मैंने बताया वो डाल्टनगंज के रहने वाले, उनसे लगातार बात होती रहती थी। ये ऐप इस पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने काफी सिचुएशन ऐसे फेस किए जहाँ पे ये ऐप बहुत कामगर साबित हुआ। फिर हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस करके इस ऐप को और सटीक बनाया और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, लोगों को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा ऑनलाइन और बहुत ही कम खर्चे पे, और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए तो ये सुविधा बिल्कुल ही मुफ्त है। ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में कुछ और सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। ये सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहा हूँ रेडियो धूम पर धूम कैफे में, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वंस अगेन आपके दिल के धुन RJ प्रसून में आपके साथ हूं और शो का नाम धूम कैफे। RJ प्रसून।
आपके दिल के धुन आपके साथ सरकार मेरे, और आज के शो पर मेरी बातें हो रही हैं धनंजय कुमार के साथ, जो कि डोरंडा के रहने वाले हैं, बीआईटी मिश्रा के स्टूडेंट हैं, सोशल वर्क में भी हैं, और साथ ही साथ कलाकृति आर्ट फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने की हुई है। पेंटिंग बहुत ही कमाल की करते हैं, लेकिन आज तो स्पेसिफिकली हमारी बातें हो रही हैं डॉक ओपीडी ऐप को लेकर के, जिसे इन्होंने बनाया है। आपसे जानना चाहूंगा मैं धनंजय जी, इस ऐप के बारे में, जैसे किसी भी एप्लीकेशन में हमें अगर इन करना होता है या रजिस्टर करना होता है तो उसका एक सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, तो क्या इस एप्लीकेशन के लिए भी कोई चार्ज देना पड़ेगा, या फिर जैसा आपने बोला कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए फ्री है? जी बिल्कुल प्रसन्न जी, सबसे पहले मैं बता दूं, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। जी, सीनियर सिटीजन की जहाँ तक आपने बात की तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोगों ने ये सीनियर सिटीजन के लिए बनाने से पहले हमारे को जो इंस्पिरेशन मिला वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक आह्वान किया था कि आप बुजुर्गों का ख्याल रखें। बिल्कुल, उसी वजह से हम लोगों के दिमाग में था कि क्यों ना ये ऐप को हम पूरी तरह से निःशुल्क रखें सीनियर सिटीजन के लिए। जी, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐप में कूपन डालने के लिए सुविधा दी है। जब भी आप डॉक्टर सेलेक्ट करके, उसका टाइम सेलेक्ट करके आप बुकिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछा जाता है। जी, उस कूपन कोड के जगह में आप रेस्पेक्ट 60 लिखेंगे, वो बुकिंग पूरा जीरो हो जाता है, उसमें एक रुपए का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा पेशेंट को। ओके, तो ये 100% फ्री हो गई सीनियर सिटीजन के लिए। जो हमारे बाकी नागरिक हैं उनको अगर ये सुविधा चाहिए तो वो भी बहुत ही कम खर्चे में, मात्र 79 रुपीज में वो ये सुविधा ले सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेशन उनको मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी हम लोगों ने कोड जारी किया है सारे झारखंड के निवासियों के लिए, वो है कोड झारखंड। सिर्फ वहाँ कोड लिखेंगे झारखंड, वो 79 रुपीज हो जाएगी, डॉक्टर की जो भी फीस है वो फीस कम होकर के सिर्फ 79 रुपीज हो जाएगी, समझ लीजिए ये लगभग निःशुल्क है। सो ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है आपका, इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे कि क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, कैसे आपने इसको रजिस्टर करवाया स्टार्टअप इंडिया के तहत, ये सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर, और शो आप सुन रहे हैं धूम कैफे, बोले तो टेंशन नहीं लेने का, स्टे सेफ स्टे एट होम एंड स्टे कनेक्टेड। इस गाने वाले ब्रेक के बाद वंस अगेन आपके दिल के धुन, आरजे प्रसून आपके साथ हूं मैं, और शो आप सुन रहे हैं धूम कैफे। मंडे की मस्त वाली इवनिंग है ये, और मेरी बातें आज के शो पर हो रही हैं धनंजय कुमार के साथ, और स्पेशली ऐप के रिगार्डिंग बातें हो रही हैं डॉक ओपीडी, और हर तरीके की मेडिकल कंसल्टेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा धनंजय जी, इस एप्लीकेशन के बारे में, इसको आपने डेवलप करने में कितना वक्त लिया, क्या प्रोसेस रहा है, और इसको स्टार्टअप इंडिया में आपने किस तरीके से रजिस्टर करवाया? सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ऐप पे हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे, इस पे बकायदा 10 से 15 लोगों की टीम लगी हुई है जो डेवलपमेंट पार्ट से लेकर के इसके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज को देख रही है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यूज को देख रही है, और डॉक्टर के साथ अलाइन करके सर्वे कर रही है क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने चैलेंजेस काफी फेस किए, पहले तो लोग इसे हाथों हाथ लेते नहीं थे, डॉक्टर्स को भी इसमें जुड़ने में बहुत ही झिझक होती थी कि ये शायद डॉक्टर जुड़ेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या वो उस तरह से इलाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमारे ऐप में वीडियो कंसल्टेंसी की सुविधा नहीं थी, जैसे जैसे हम लोगों ने चीजें सीखी जानी, और हमारी टीम काफी स्ट्रांग है, दिल्ली और पूरे भारत में लोग बैठे हुए हैं इस टीम के लोग जो काम कर रहे हैं, डेवलपर्स दिन रात इस पे लगे हुए हैं, 24 घंटा अपना दे रहे हैं। हम लोगों ने एक निकाला नतीजा कि डॉक्टर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मरीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया 20 मार्च को, उन सारी बातों का हमने समावेश किया, और फिर उसका नतीजा था कि डॉक ओपीडी आज इतने अच्छे रूप में लोगों के मदद के लिए आया हुआ है। रहा स्टार्टअप इंडिया की बात, तो उसके लिए अभिषेक जी को मैं सारा श्रेय देना चाहूंगा, अभिषेक जी दिल्ली में हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, और उन्होंने सारा प्रोसेस किया है, अभी दिल्ली में भी ये लॉन्च हो चुका है, काफी डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं जो निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, और झारखंड के भी मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे अभी जुड़े हैं और वो भी निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं लोगों को। मैं आपके माध्यम से ही सभी डॉक्टर्स को अनुरोध करता हूँ कि इस महामारी के दौर में हमारे ऐप से जुड़े, और एक घंटा सिर्फ आप प्रत्येक हफ्ते में 2-3 दिन आप अगर दें इस ऐप में तो बहुत से लोगों को इस ऐप से मदद मिलेगा, जो मेडिकल कंसल्टेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाएगी अगर डॉक्टर्स इस ऐप से जुड़ते हैं तो। इस टेलीमेडिसिन ऐप डॉक ओपीडी के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन शो के अगले आर में। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर, और शो का नाम धूम कैफे, बोले तो टेंशन नहीं लेने का, स्टे कनेक्टेड स्टे एट होम
एंड स्टे सेफ। शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ से अपने शो के आखिरी आर की शुरुआत हो चली है। वेरी गुड इवनिंग। आपके दिल के धुन आपके साथ सरकार मेरे 104.8 FM रेडियो धूम पर और शो आप सुन रहे हैं धूम कैफे। आज के इस शो की अगर बात करें, मेरी बातें हो रही हैं धनंजय कुमार के साथ और डॉक ओपीडी ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको इन्होंने डेवलप किया है। बहुत सारी बातें करी है हमने इस ऐप को लेकर के। आपसे जानना चाहूंगा मैं धनंजय जी, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको किस तरीके की हेल्प मिली है या फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कोई भी इनिशिएटिव अगर उसमें सरकार साथ दे दे तो वो इनिशिएटिव अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जैसा हम लोगों ने बताया कि हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी है और किसी स्टार्टअप कंपनी को चलने में आर्थिक सहयोग, उसको प्रचार प्रसार करने में और लोगों तक पहुंचाने में लगता है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रखी है, इसीलिए और भी मुश्किल हो रहा हम लोगों को ये सुविधा लोगों तक पहुंचाने में। तो सरकार इससे बात चल रही है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं और आशा करते हैं कि हमें उनका सहयोग प्राप्त होगा और हम लोग ये अंतिम व्यक्ति तक राज्य के पहुंचा पाएंगे। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने हैंडी बनाने का प्रयास किया क्योंकि बहुत सारे सुविधा है टेलीमेडिसिन का जिसमें लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं जी, जिसमें लोगों को लैपटॉप का जरूरत पड़ता है, इंटरनेट का जरूरत पड़ता है, एक वेब कैमरे का जरूरत पड़ता है। तो हमने देखा कि हमारे झारखंड के गांव में ये सब सुविधा होगी नहीं और अगर झारखंड के गांव में मान लीजिए मोबाइल फोन एंड्रॉइड फोन के सहारे, जो कि एक गांव में तो कम से कम एक होगा ही, तो उसके सहारे अगर वो टेलीमेडिसिन दिल्ली के एक डॉक्टर किसी गांव के वृद्ध को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे सुकून का पन होगा, लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हो गया। हमने लोगों के लिए इसीलिए आसान बनाने के लिए इसको मोबाइल पे रखा है। बिल्कुल, बस प्ले स्टोर पे जाएं, डॉक ओपीडी टाइप करें, DOC OPD, सॉल्व करें, आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, OTP आएगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या बात है, और फिर इस तरह का कोई शुल्क नहीं है इसमें। और उसके बाद जो भी मेडिकल कंसल्टेशन आपको लेनी है वो आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं घर पे रह के, सुरक्षित रह के। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं धूम कैफे, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। इस गाने को आपके लिए प्ले किया था 104.8 FM रेडियो धूम पर और शो आप सुन रहे हैं धूम कैफे। मैं आपके दिल के धुन RJ प्रसून आपके साथ और ये मंडे की मस्त वाली इवनिंग है। आज के इस शो पर मेरी बातें हो रही हैं धनंजय कुमार के साथ जो BIT मिश्रा के स्टूडेंट रह चुके हैं और डोरंडा रांची के रहने वाले हैं। आज इनसे शो पर बातें हो रही हैं डॉक ओपीडी ऐप को लेकर, किसी भी तरीके का मेडिकल कंसल्टेशन आपको मिल सकता है। और अगर आपके लॉकडाउन टाइम की बात करूं मैं तो ये कैसा जा रहा है? जी बहुत व्यस्त हूँ मैं इस पीरियड में अपने पैशन को तो बहुत फॉलो कर ही रहा हूँ, साथ साथ मुझे लोगों का मदद करने का भी मौका मिला है अलग अलग माध्यम से जी। मैं रांची DC के एक ग्रुप है हेल्प रांची, उसमें भी जुड़ा हूँ और इससे लोगों को मदद या तो मेडिसिन फैसिलिटी हो या बाकी राशन की फैसिलिटी हो वो उपलब्ध करा रहा हूँ। साथ ही साथ हम लोग अपने एक स्कूल परिसर में ही जो डोरंडा में स्थित है वहाँ एक सामाजिक किचन की स्थापना की है डोरंडा पुलिस के सहयोग से और वहाँ से 400 से 500 लोगों को प्रतिदिन हम लोग भोजन, पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। क्या बात है, और इस समय जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं झारखंड वासियों से आग्रह करता हूँ कि हम खुशकिस्मत है कि हमारे झारखंड में बहुत ज्यादा ये महामारी ने अपना पैर नहीं पसारा है। आप अपनी समझदारी का परिचय दें, जरूरतमंदों की मदद करें, जो भी राहगीर या आ रहे हैं उनको देखरेख करें, उनको भोजन उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ अपनी भी सावधानी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें जी। मास्क का प्रयोग जरूर करें और शारीरिक दूरी बना करके ही रहें, हाथ को तो जरूर बार बार धोएं और इन सब सावधानियों से हम इससे जीतेंगे और फिर से एक दिन मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और इन डिटेल इस ओपीडी ऐप के बारे में, डॉक ओपीडी ऐप के बारे में हमें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच पशुन एंड रेडियो धूम, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद मिलूंगा आपसे। 104.8 FM रेडियो धूम आप सुन रहे हैं और शो का नाम धूम कैफे। स्टे कनेक्टेड।